देखिए, सबसे पहले तो हमने कंपोनेंट और वेक्टर को सीखा था कल, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसको एक बार फिर से देखो सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपोनेंट वाला, हाउ टू मेक कंपोनेंट्स। कल जिन्होंने मिस किया लेक्चर वो एक बार सुन ले। मान लो मेरे पास ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं यहां एक वेक्टर लेता हूं ए, और ये वाला एंगल मेरे पास अल्फा है और ये वाला एंगल मेरे पास बीटा है, तो ए के कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ क्या बनेंगे बोलो, ए ए कोस अल्फा, कोस अल्फा। इधर क्या बनेंगे, ए ए कोस बीटा, ए कोस बीटा। अगर आप बीटा की जगह अल्फा में रखना चाहते हो तो ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा। अब ऐसा क्यों हुआ देखो सब बच्चे, ध्यान से देखना। ये एक वेक्टर है ए और ये एंगल है अल्फा। मेरे को ये वाला कंपोनेंट निकालना है ओ एक्स, जबकि ये मेरे पास कोई ओ ए वेक्टर है या ओ बी ले लो, ओ बी वेक्टर है, तो मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी आप देख सकते हो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे निकालना है ओ एक्स और हाइपोटेन्यूज मेरे पास किसके इक्वल है, ए के। तो कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, इस तरह से आपने वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं ए कॉस अल्फा। अब अगर मुझे ये वाला कंपोनेंट बनाना है, ये वाई कंपोनेंट, वो इसके बराबर होगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इसका वाई कंपोनेंट होगा। उसके लिए अगर मैं साइन अल्फा लेता हूँ तो साइन अल्फा मेरे पास बनेगा बी एक्स बाय ओ बी, ओ बी मेरे पास क्या है ए, तो ये बनेगा ए साइन अल्फा, क्या बनेगा ए साइन अल्फा। तो एक छोटी सी बात अपने माइंड में फिक्स कर लो सब बच्चे, जब भी आपको हम ये कहें कि इसके कंपोनेंट बनाने हैं, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 100 और आपको ये वाला एंगल दे दें अल्फा, तो इसका एक्स कंपोनेंट हमेशा आपने क्या लिखना है 100 कॉस अल्फा, और अगर आपसे वाई कंपोनेंट पूछा जाए तो आपने लिखना है 100 साइन अल्फा। हाँ कॉस बीटा लिख सकते हो अगर ये बीटा एंगल दिया हो, अगर ये एंगल आपको पता हो तो आप इसको कॉस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के इक्वल है और अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस बीटा। इसलिए आप एक चीज माइंड में फिक्स कर लो, एक एंगल वाला फिक्स कर लो कि मुझे एक एंगल गिवन है थीटा, ये वेक्टर ये, तो मैंने इस तरफ तो कॉस थीटा लेना है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा लेना है। हमेशा आपने जिधर एंगल होगा उधर कॉस लेना है। अगर एक ही एंगल को डील कर रहे हो, अगर आप दो एंगल को डील कर रहे हो तो फिर दोनों ही कॉस लेने। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, यस और नो में आंसर दो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ, आप उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे सब बच्चे। मैं यहाँ पर कुछ वेक्टर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक्स और वाई के बीच में कुछ वेक्टर्स बनाए, एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 100, एक वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है 200, ये वाला एंगल है 30
और ये वाला एंगल है 60। आपने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट बनाने, और दूसरे के वाई कंपोनेंट बनाने, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। हेलो, मैं क्लास के बाद करता हूँ बात। पहले आपने एक्स कंपोनेंट बनाने, फिर आपने क्या बनाने, वाई कंपोनेंट। ये आपको काम करना है। बनाओ, सभी बनाओ। x कंपोनेंट दो बनेंगे, एक तो 100 का बनेगा। यस सर, x कंपोनेंट बनेगा 100 cos 30 cos 30 और 200 cos 60 60 कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, 200 या 100, पहले 100 लेंगे, 100 साइन 30 प्लस 200 साइन 60। इधर एंगल बनेगा ना, उधर आपने कोस लेना है, और जिधर एंगल नहीं बनता मतलब ये वाला, उस वहां आपने साइन लेना। तो एक्स सर, ये समझ नहीं आया, मैंने कल का लेक्चर नहीं लगाया था, एक बार बता दो। बात नहीं बेटा, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, कल वाले लेक्चर को ही मैंने दोबारा से बताया कि जब आपके पास कोई भी वेक्टर हो ए, और इधर एंगल थीटा हो, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा, ए साइन थीटा। अगर मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर भी है बी, उसका एंगल थीटा डैश है, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, बी कॉस थीटा डैश, और इधर क्या बनेगा, बी साइन थीटा डैश। एंगल वाली डायरेक्शन में आपने कोस लेना है, एंगल वाली डायरेक्शन में आपने कोस लेना है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने साइन लेना है। तो इसके अब आंसर क्या बन रहे हैं, देखिए इधर 100 कॉस 30, कॉस 30 होता है रूट 3/2, प्लस 200 कॉस 60, तो एक्स कॉम्पोनेंट 1/2 50 रूट 3 प्लस 200 प्लस 100। चाहो कर सकते हो, एक बार मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। वैसे तो रूट थ्री को ना आप 1.7 ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, जिससे मेरा ये 85 प्लस 100 बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 185। वैसे 1.73 होता है रूट थ्री। जब कभी रूट टू की वैल्यू लेनी हो तो 1.4 ले सकते हो, होती है 1.414, और रूट थ्री की वैल्यू आप 1.7 ले सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली 1.73। एक्सक्यूज मी सर, वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा 100 साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 और 200 साइन 60 रूट 3/2 कितना होता है रूट 3/2, ये बनेगा 50 100 रूट 3। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये जो 100 साइन 30 लिया है, इसको 100 साइन 90 माइनस 30 नहीं लेना चाहिए था? नहीं बेटा, फिर आप कॉस में लेते। अगर तो आपने 90 माइनस 30 लेना था इसको, अगर आपने ये एंगल ही बना लिया फिर कॉस लेते, आप साइन नहीं लेते, तब भी आंसर सेम आता। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ये 220 बन रहा है, देखो सब बच्चे देखो ध्यान से, इसको क्लियर कर दो स्क्रीन को। यस सर, कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो पूरा करने की, कोशिश करो पूरा करने की। देखो बेटा, दो चीजें हैं, दोनों में से कोई एक को माइंड में रखो। अगर तो आपके पास एक ही एंगल में काम करना है, फिर तो आप इधर लिखोगे ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, लेकिन अगर आपने दोनों एंगल को डील करना है, ये अल्फा को भी और ये 90 माइनस अल्फा मतलब बीटा को भी, तो आपने फिर कॉस ही रखना है। इधर ए कॉस अल्फा,
इधर ए कॉस बीटा। अब मैं यहाँ यहीं से बताता हूँ ये साइन कैसे बनेगा। बीटा आपके पास बन रहा है 90 माइनस अल्फा, ये बनेगा ए कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। देख दिखना भी बढ़िया हो गई वो, इसलिए मैंने क्या किया ए साइन अल्फा और ए कॉस। ये देख कितनी एडिट वाले ऊपर वाली भी देख न्यू दिखाए हैं बेटा, ये न्यू दिखेगा मतलब सब बदल। संदीप आवाज आ रही है बेटा? कोई डाउट किसी को इसमें समझ में आ गया? नो सर। यस सर। यस यस सर। ओके एक सम और करो, आपको मैं कुछ वेक्टर दे रहा हूं। एक वेक्टर ये 100 जिसका एंगल है 30, एक वेक्टर ये 100√2 जिसका ये एंगल है 45, एक वेक्टर ये 200 जिसका एंगल है 30 और एक वेक्टर ये 60 डिग्री के एंगल पर 400। ज्यादा सिंप्लीफाई मत करना, बस कंपोनेंट बना के बता दो सर टोटल ये बन रहे एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। मेक पहले एक्स कंपोनेंट बना लो, मेक एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक्स एंड वाई कंपोनेंट मतलब प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, अपोजिट वेक्टर नेगेटिव होते हैं। बेटा जो 100 के कंपोनेंट बनेंगे ना वो इसी क्वाड्रेंट में बनेंगे, ध्यान से बस यहाँ गलतियां मत करना। जैसे सबसे पहले आप किसके बनाओगे 100 के, 100 का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा 100 cos 30 डिग्री और इधर क्या बनेगा 100 sin 30 डिग्री। 30 डिग्री ये क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट सबको? यस सर। यस सर। अब इसका कंपोनेंट इधर और इधर बनेगा, जिधर वेक्टर होगा ना उन्हीं के बीच में बनेगा। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना बनेगा, ये बनेगा 100 cos 45 डिग्री, cos 45 √2 ही होता है। और एक कंपोनेंट इधर बनेगा 100√2 sin 45 भी अगर आपको याद हो √2 ही होता है 1/। यस। क्या ये वाला क्लियर हो गया 100√2? यस सर। यस सर। एक कंपोनेंट इधर बनना था cos 45, एक इधर, वो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो मेरे क्लियर हो गए ये भी और ये। तीसरा देखो, जिधर एंगल होगा उधर cos लेना है, इस बार एंगल इधर है तो इस डायरेक्शन में बनेगा 200 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और इस तरफ कितना बनेगा, इस तरफ बनेगा 200 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। क्या ये भी क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा जिधर वेक्टर होता है ना, जैसे वेक्टर इधर है उसका ये एंगल थीटा था, जिधर एंगल बनेगा उधर आपने कॉस लेना है और उसके 90 डिग्री पर आपने साइन लेना है। और इस तरह से लेना है कि वेक्टर दोनों के बीच में हो, कुछ बच्चे इधर साइन ले लेंगे वो गलत हो जाएगा। अगर वेक्टर इधर है तो इन दोनों के बीच में आएगा। इस क्लास में किसी को पूछना हो
नो सर अभी नो सर सभी के दो दो बनेंगे 400 का चेक करो ये एंगल 60 है ना इधर क्या बनेगा 400 डिग्री और इस डायरेक्शन में क्या बनेगा 400 sin 60 क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हाउ टू मेक कंपोनेंट यस सर अब आप क्या करोगे अब इन कंपोनेंट को सॉल्व करोगे जो सेम डायरेक्शन में उसको ऐड कर दोगे जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको माइनस कर दोगे बड़े में से छोटे को बेटा जिधर एंगल होगा ना उधर कॉस आएगा और दूसरी डायरेक्शन में साइन आएगा वो साइन यहाँ आएगा एंगल वेक्टर जहां एंगल बना रहा है उधर कॉस बनेगा वो चाहे वाई एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस हो उसके 90 डिग्री पे साइन बनेगा तो अब मेरे पास मैं यहां तक पहुंच गया कोमल समझ में आ रहा है बेटा ये yes. ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं साइन 30 कितना होता है 1/2 ये वाली साइड कितनी बन गई 50 हो गया सर टोटल यहाँ लिखता जाता हूँ साथ साथ इस साइड में मेरे पास 150 हो गया अब राइट साइड में यहाँ देखते हैं ये कॉस 30 है कॉस 30 3/2 तो अप्रोक्सीमेटली 85 मैं रूट 3 को 1.7 ले रहा हूँ अब साइन 60 भी रूट 3/2 होता है तो ये 200 रूट 3 हो गया ना तो 200 रूट 3 1.7 करेंगे तो ये मेरे पास 340 बनेगा 340 अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अब नीचे की तरफ देखते हैं क्या पड़ा अपने पास कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2 3/2 170 तो ये बन गया yes, sir. Yes. और ये cos 60 होता है 1/2 200 ये बन गया 370 अब आ जाओ चौथी डायरेक्शन में ये तो 100 था और ये भी 100 बनेगा 200 बन गया 200 अभी भी क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्लेस बना लेते हैं अब आप ये देखो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में कौन है पॉजिटिव में 85 प्लस 340 और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 200 बड़ा कौन सा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो 85 प्लस 340 आप बता दो आपने नोट कर लिया होगा इस तरफ कितना बन रहा था बताना इधर तो 200 था 85 प्लस 340 ये था ना 85 425 200 अपोजिट है 425 के तो आपके पास इस डायरेक्शन में x कंपोनेंट कितना आ गया 225 x कंपोनेंट बन गया 225 ये आंसर है अब आप y में बताना ऊपर कितना बना था कल 150 में से 370 जाएगा कितना बन गया सर 220 लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस है तो अब आप ऐसे लिखा करो x को तो आप लिखो 225 i कैप और y को लिखो आप -220 j कैप ये आपके x कंपोनेंट वेक्टर भी बन गए और ये y कंपोनेंट वेक्टर बन गए दिस इज योर आंसर किसी को पूछना है इसको नो सर देख लो बेटा कोई डाउट है तो No, sir. एक और दो आप? No, sir. Yes, sir, yes. दे दो एक और. Yes, sir. एक और.
इसके लिए ना कुछ एंगल याद रखना, कॉस मैं 37 देने वाला हूँ, कॉस 37, साइन 37, सिमिलरली साइन 53 और कॉस 53, इनकी वैल्यू ना आप याद भी कर ले आगे से। साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, या उल्टा हो जाएगा 4/5/5, 3/5, 3/5। इन एंगल का यूज करना, ये एंगल की वैल्यू है। जिन बच्चे को नहीं पता वो ध्यान रखो, इस ट्रायंगल को याद रखो, 37 वाला ट्रायंगल बोलते हैं इसको, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कंपटीशन में, तो काफी बार रिपीट किया है। 37 वाला ट्रायंगल की साइड इस रेशियो में होती है, और 53 का जो ट्रायंगल होता है, 53 वाला जो ट्रायंगल होगा उसमें जो साइड का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा। इसको मैं 53 कर दूं, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब आप खुद ही देखो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, 3/5 प्लस 5। कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी, 4/5 फोर बाय फाइव। साइन 53 की वैल्यू क्या होगी, 4/5। कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, 3/5 प्लस 5। इनका आप यूज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब बच्चे। यहां पर एक फोर्स है 37 डिग्री के एंगल पर, वो है 100। एक फोर्स इधर है ऊपर की तरफ, फोर्स समझ लो चाहे वेक्टर समझ लो, 200। एक यहां पर है 45 डिग्री के एंगल पर, 100√2। एक इधर है 53 डिग्री के एंगल पर, 200। और एक आप यहाँ ले लो 37 डिग्री के एंगल पर, नेट इट इज 300। इस बार मैंने आपको 1, 2, 3, 4 और 5, जो सबसे पहले करेगा ना वो मेरे को वीडियो ऑन करके दिखा देगा। आपने मुझे एक्स कंपोनेंट बताना है कितना आई कैप आ रहा है, और वाई कंपोनेंट बताना है कितना जे कैप आ रहा है। ओके, वीडियो ऑन करवा लूंगा मैं, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा काम ही ना कर रहा हो। इसको बताओ,
बता हो गया क्या ये आपका? सर एक मिनट करो करो करो, अभी एक बच्चे का आंसर आया, मैं वो लिख देता हूँ। बताना बेटा आपका नवे का आंसर है। नवे का ये आंसर है x कंपोनेंट 100 i कैप और y कंपोनेंट 20 j कैप। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ करेक्ट है या रॉन्ग है, आप लोग चेक करो। सेम है बताओ, मान्य का आंसर है x 20 i कैप 180 j कैप। दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे आपस, इट मीन्स कोई तो रॉन्ग है, दोनों भी रॉन्ग हो सकते हैं बट दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी, कैलकुलेशन में गलतियां मत करो, कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक मत करो। लास्ट मिनट है, 1 मिनट। जैस्मिन का आंसर है 60, वाई देखो तीन बच्चों ने आंसर दिया, तीनों का लगे। तिशा बताओ क्या आंसर आ रहा बेटा? पारस, तिशा, सभी बच्चे कर लिए आंसर निकालो। किया मित्र 70 i कैप माइनस 270 j कैप, इसका आंसर है, नाम बोलो। आशी। 70 i कैप और 2 माइनस 270 j कैप, ये आशी का आंसर है। चारों आंसर डिफरेंट, चलो चलो टाइम ही सर। सर एक्स कंपोनेंट 100 आई कैप और वाई कंपोनेंट माइनस 180 जे कैप, इसका नाम बोलो। सर स्नेहा। स्नेहा, वाई कंपोनेंट माइनस 180 जे कैप। ओके स्नेहा। सर सर एक्स कंपोनेंट 60 आई कैप और वाई 140 जे कैप, किसका ये? सर विकास। देखो कमाल ही हो गया, अभी तक तो कोई मैच नहीं किए दो आंसर। सर यस सर एक्स 40 आई कैप और जे वाई कंपोनेंट माइनस 100 जे कैप, किसका आंसर है? सर पिंकी। पिंकी, इसका भी डिफरेंट आया। सर एक्स कंपोनेंट आए 60 आई कैप और वाई आए 320 जे कैप। 320 जे कैप किसका है बताइए? सर महक। महक बोलते जाओ, आंसर मैं लिखते जाता हूँ। आज तो बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है, देखो अभी तक कोई दो आंसर मैच नहीं। सर वाई कंपोनेंट माइनस 140 था सर विकास। नहीं विकास क्या बोल, क्या कह रहे हो? वाई माइनस कर दोगे विकास? माइनस 140 था, 140
एनीबडी एल्स? अभिराज? अभिराज सर, वाई 20 जे कैप एक्स 180 आई कैप सर। चलो अब सबके आंसर मैंने ले लिए एक बार। अभिराज बोलना क्या आपका? सर मेरा अभी आया नहीं। आया नहीं, चलो अब मैच करो सब बच्चे। सर एक्स तो है 20 आई कैप। एक्स कितना? 20 आई कैप। वाई? वाई बोलो बेटा। बेसिक सी मिस्टेक्स हो रही हैं सबकी। बेसिक सी सर 200 आ रहा है वाई आई जे कैप। 200 जे कैप आ रहा है सर। माइनस नेगेटिव है। नेगेटिव, चलो इट इज ऑल। सर मेरा एक्स माइनस 40 आ रहा है। चलो मैं करूंगा फिर आप बताना किसका करेक्ट था। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? कोई बात नहीं, अब सब लोग मैच करो। एक एक वेक्टर को पकड़ना होता है, सभी को एक साथ नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आप इस वेक्टर को लो, इसके तो कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं। 200 के कंपोनेंट नहीं बनेंगे क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो 200 को तो एज सच रख लो। हाथों की तो यही गलती होगी। अब रह गया ये 100। 100 के दो कंपोनेंट बन रहे, इधर 100 cos 37 जो कि 4/5 होता है, और इधर 100 sin 37 जो कि 3/5 होता है। हाँ उसके कंपोनेंट थोड़े बनेंगे। हाँ तो देख ले, अगर कंपोनेंट बना रहे हैं cos 0 कितना होगा? cos 90 कहाँ है? नहीं ये देख, 200 है ना, इसका एंगल इसके साथ 90 है, तो अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं भी तो 200 cos 90 जीरो हो जाए, और इधर इधर 200 sin 91 हो जाए, तो 200 ही बचेगा। अब ये वाला वेक्टर देखो 300, इसका कंपोनेंट बनेगा इधर 300 cos 37 और इधर बनेगा 300 sin 37। अब आप 200 को ले लो, 200 का इधर कंपोनेंट बनेगा 200 cos 53, 3/5, 200 sin 53, 4/5। अभी बचा ये, इसका तो 100 इधर बनेगा और 100 ही इधर बनेगा, ये तो बन गए कंपोनेंट। कर तो दिया बेटा 200 4/5। ये खुद के साथ ही होगा फिर ना, खुद के साथ है, क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, उसी क्वाड्रेंट में। बेटा जो वेक्टर कोई एंगल ही नहीं बना रहा ना, उसको छेड़ो ही मत, बस उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये वाली चीज बन गई 60, ये पूरा साइड ऐड करेंगे तो बनता है 360, ये वाली साइड बनती है 180, और इधर से सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास 160, मतलब 340 का नीचे आ रहा है, 360 ऊपर 340 नीचे, तो 20 जे कैप अगर किसी का आया हो तो। वाई अभी मैं लिख रहा हूँ, मेरा एक आंसर आ गया 20 जे कैप, वाई आया है, तो नव्या का 20 जे कैप सही है, बाकी सब रॉन्ग हो गए यहाँ, बाकी तो आउट हो गए गेम से। सर 100 इनटू 3/5 कैसे आया? बेटा 100 इनटू 3/5 कैसे आएगा? 100 cos 37 कहाँ पर, कहाँ कह रहे 3/5 ऊपर ना सर? यस सर।
तो 100 cos 37 कितना होगा, इधर इधर कितना बनेगा 100 cos 37 और इधर क्या बनेगा 100 sin 37. sin 37 कितना होता है 3/5. अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये आपके पास बना है 80 और ये आपके पास बना है 240 और 80 ये बना 320. इधर चेक करें ये कितना बना 120, ये बना 220. इधर 320 है, इधर 220 है. तो x आपके पास कितना आया, x आपके पास आया 100 आई कैप, जो सबसे पहले आंसर आया था वही करेक्ट है. वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर. यस बोलो. सर नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड 200 साइन 53 नहीं बनेगा? Yes. एंगल होता है उधर कॉस बनता है. एंगल की एंगल किसके साथ बना हुआ है, इसके साथ बना हुआ है ना. तो जिधर एंगल होता है उधर कॉस लेना है आपने. इसके 90 डिग्री पे जिधर एंगल नहीं बना हुआ उधर साइन लेना हो. ये हमेशा अच्छा ठीक है सर. एक्सिस के साथ कॉस लोगे, जिसके साथ एंगल बना होगा उसके साथ कॉस लोगे, दूसरे के साथ साइन लोगे. एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, बेसिक्स द्वारा बता दूं, आप लोग बेसिक्स में गलतियां कर रहे हैं. इस चीज पे मत जाओ कि आपने एक्स एक्सिस के साथ कोस लेना है. अगर मेरा एंगल इसके साथ बना हुआ ना 37, आप इसके कंपोनेंट बनाओ क्या बनेंगे, जिधर एंगल बना हुआ है उस डायरेक्शन में आप क्या लोगे 100 cos 37 और दूसरी डायरेक्शन में आप क्या लोगे 100 साइन 37. समझ गए? हेलो हेलो. हाँ दे जाना आप ऊपर. इसका बताना बेटा, अगर ये वाला वेक्टर यहाँ होता, ये वाला वेक्टर यहाँ होता 200 और ये एंगल होता 53, तो इस डायरेक्शन में क्या लिखूं मैं 200 cos 53 डिग्री. और इस डायरेक्शन में क्या लिखूं फिर 200 sin 53 डिग्री. समझ में आ गया सबको? यस यस सर. यस सर. एक न्यूमेरिकल अब. यस सर. ओके सर, इस पे न्यूमेरिकल्स की शीट सेंड कर देना. कर दूंगा बेटा, कर दूंगा. बहुत बहुत वो हो जाएगा आज के बाद. अब आप लोग ना एक चीज नोट करो, इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम ये टर्म हमेशा यूज करते हैं जब किसी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस लगी हो. जैसे यहाँ पर एक फोर्स लगी है, यहाँ पर भी एक फोर्स लगी है, एक फोर्स यहाँ लगी है, एक फोर्स यहाँ लगी, कुछ फोर्सेस और दिखा रहा हूँ मैं, एक ऊपर लगी, एक नीचे लगी. इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस दिखा दी मैंने, 6. अब जब आप इनके कंपोनेंट बनाओगे, अगर आपका एक्स कंपोनेंट 0 आ गया और वाई कंपोनेंट भी 0 आ गया, अगर स्पेस में है तो जेड कंपोनेंट भी 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में. वो तभी 0 आएगा ना. अगर किसी बॉडी पर काफी सारी फोर्सेस, फोर्स एक वेक्टर है, काफी सारे वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इनको रिजॉल्व किया, कंपोनेंट बनाए, तो सब कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गए. एक्स वाला इधर वाले एक्स से कट गया, वाई वाला इधर वाले वाई से कट गया, तो नेट एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 0 आई, नेट वाई कंपोनेंट कितना आ गया 0. अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो आप लोग नोट करें, लिखो अ बॉडी
और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is zero if net force acting on the body is zero, that is x component is zero and y component is also zero. Agar z bhi ho to wo bhi zero. Agar aisa hoga to hum kya kahenge, body is in equilibrium. न्यूमेरिकल से क्लियर करते हैं अपनी बात. इतना नोट कर लिया सबने? यस सर. यस सर. मान लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की. एक फोर्स इधर लग रही है 200 न्यूटन की. एक फोर्स यहां लग रही है F1 और एक फोर्स यहां लग रही है F2. चार फोर्सेस इनके एंगल में दे देता हूं. ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. दिस एंगल इज 37, दिस एंगल इज 53, दिस एंगल इज 37. बना लिया क्वेश्चन आपके? बना लो, सब लिख लो. यस. अब इसमें ना दो फोर्सेस अननोन है, तो क्वेश्चन ये आएगा फाइंड F1 एंड F2 इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो आपको F1 और F2 निकालना. मैं करूंगा ये सम, आप लोग देखें अगला सम, फिर आप करना. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वही है कंपोनेंट्स. आप पहले तो सभी फोर्सेस के कंपोनेंट बनाएं, फिर जो भी x कंपोनेंट बनेगा उसको जीरो रख दें, जो भी y कंपोनेंट बनेगा उसको जीरो रख दें, और वहां से आप अपनी अननोन वैल्यूज को निकाल लें. वहां से क्या निकाल लें? अननोन वैल्यूज को निकाल. तो पहले आप कंपोनेंट बनाते हैं. क्या 200 के कंपोनेंट बनेंगे बेटा? नो सर. नो सर. 200 के कंपोनेंट नहीं बने. तो फिर हम क्या करें? यहां पर मैं इसको दिखा रहा हूं, 200 को 200 रख ले. यस. अब 100 के कंपोनेंट बनेंगे? यस. यस सर. 100 cos 37 और ऊपर की तरफ 100 sin 37. F1 के कंपोनेंट बनेंगे? F1 के. यस. F1 cos 53 और इधर कंपोनेंट क्या बनेगा? F1 साइन 53. यही बनेंगे ना. F2 के कंपोनेंट क्या बनेंगे? इधर बनेगा F2 cos 37 और इधर क्या बनेगा? F2 साइन 37. क्या ये कंपोनेंट समझ में आ गया आपको? यस सर. यस सर. यस सर. जो मैंने आपको बताया कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. यस सर. राइट वाले को राइट साइड वाले के इक्वल कर दो और अब ऊपर वाले को नीचे वाले के इक्वल कर दो. अगर इसका अमाउंट इसके बराबर होगा तभी तो वो कैंसिल करेंगे. तो फिर मैं यहां लिखूंगा 100 sin 37
साइन 37 होता है 3/5, 60 बन गया. एफ वन 3/5 शुड बी इक्वल टू एफ टू 3/5. क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? यस सर. इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि जीरो आना चाहिए. जीरो तभी आएगा जब ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के बराबर होगा. दूसरी इक्वेशन बनाते हैं. लेफ्ट साइड में क्या है अपने पास? एफ वन साइन 53 होता है 4/5. कॉस 37 भी कितना होता है? 4/5. और ये मेरे पास बन रहा है 280. तो क्या दो इक्वेशन से हम एफ वन एफ टू सॉल्व नहीं कर सकते? यस सर. ऊपर वाले में से 5 एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 300, 3F1 इक्वल टू 3F2. नीचे वाले में से भी 5 आप एलसीएम ले लो, 4F1, 4F2 इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा 0 और 1400 बनेगा. इक्वेशन नंबर 4. अब यहां से 3F1 है, ये 4F1 है. आप जैसे लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करते थे, 3F1 माइनस 3F2 इक्वल टू माइनस 300, इधर 4F1 दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यहाँ लाइट चली गई एक्चुअली. 4F1 मुझे तो दिख रहा है, इसको रहने दो. 4F2 इक्वल टू 400. तो अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, कि F1 और F2 को एलिमिनेट करना है. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 12F1. मुझे लग रहा है कि लग गया होगा.